Hey everyone, how are you? I hope you all are fine. So today we are going to discuss new lecture of industrial gases and inorganic chemicals. Catch it, new lecture. So in this video, we will going to discuss uses of hydrogen peroxide. Catch it, uses of hydrogen peroxide. उसके बाद फिर हम लोग डिस्कस करेंगे स्टोरेज ऑफ हाइड्रोजन परोक्साइड, जिसको कि हम लोग H2O2 के नाम से जानते हैं. एंड देन हम लोग फिर बात करेंगे सबसे लास्ट हैजार्ड्स, मीन्स इसका क्या क्या डेंजरस इफेक्ट है. तो हम इन तीनों बातों पे डिस्कस करेंगे. तो चलिए एक एक करके हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं. सबसे फर्स्ट बात करते हैं यूजेस ऑफ हाइड्रोजन परोक्साइड. तो इसमें सबसे फर्स्ट यूज क्या है कि ह्यूमन हेयर इज ब्लिच्ड विथ डाइल्यूट हाइड्रोजन परोक्साइड कंबाइंड विथ एक्वस अमोनिया. जो ह्यूमन हेयर होता है उसको ब्लीच्ड करते हैं हम लोग हाइड्रोजन परोक्साइड के साथ, और जो हाइड्रोजन परोक्साइड होता है वो डाइल्यूट होता है और किसके साथ मिक्स होता है, एक्वस अमोनिया के साथ. हम बात करते हैं इसका सेकेंड यूजेस, दैट इज पॉइंट नंबर टू. आप जैसे जैसे हम पढ़ रहे हैं वैसे वैसे आप बस देखते चलिए, लास्ट में आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और एक बार खुद से रीडिंग लगा लीजिएगा. सेकेंड पॉइंट है, हाइड्रोजन परोक्साइड इज यूटिलाइज टू डिक्रीज मोरालिटी, नैतिकता को घटाने के लिए, कॉज्ड बाय डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं, दैट इज पॉइंट नंबर थ्री, हाइड्रोजन परोक्साइड इज अ माइल्ड एंटीसेप्टिक दैट कैन बी यूज्ड फॉर स्मॉल कट्स, स्क्रेचेस एंड बर्न टू प्रिवेंट इन्फेक्शंस. तो हमको ये इन्फेक्शंस से भी क्या करता है, बचाता है. नेक्स्ट यूज की बात करें, दैट इज की पॉइंट नंबर फोर, इट इज यूटिलाइज्ड इन द टेक्सटाइल सेक्टर. इसको टेक्सटाइल सेक्टर में यूटिलाइज किया जाता है एज एन एंटी क्लोर टू इलिमिनेट एक्सेस क्लोरिन आफ्टर ब्लीचिंग. ब्लीचिंग के बाद भी जब एक्सेस क्लोरिन बच जाता है तो उसको इलिमिनेट करने में, ठीक है. अब हम बात करते हैं पॉइंट नंबर फाइव, इट इज वाइडली यूटिलाइज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ इनऑर्गेनिक केमिकल्स. ये जो है बहुत ज्यादा अमाउंट में यूज किया जाता है इनऑर्गेनिक केमिकल्स का प्रोडक्शन करने के लिए. अब कुछ कुछ इनऑर्गेनिक केमिकल्स का नाम हम बता रहे हैं, सच एज सोडियम परबोरेट, पर कार्बोनेट, ये सब विच आर इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ हाई क्वालिटी डिटर्जेंट. और ये क्या है, इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स है हाई क्वालिटी डिटर्जेंट का. अब हम बात करते हैं पॉइंट नंबर सिक्स, इट इज यूज्ड टू रिस्टोर द कलर ऑफ लीड पेंटिंग. लीड पेंटिंग का कलर को रिस्टोर करने के लिए इसको यूज किया जाता है, दैट हैव बीन डार्केंड एंड रिजल्ट ऑफ द इफेक्ट ऑफ H2S इन द एयर ऑन लीड पेंट्स. अब हम बात करते हैं सेवन पॉइंट, इट इज यूज्ड टू क्लीन द डिशेस, रेफ्रिजरेटर, शावर, वॉशिंग मशीन एक्सेट्रा. तो ये सबको क्या करता है, क्लीन करने के लिए यूज किया जाता है हाइड्रोजन परोक्साइड को. अब हम बात करते हैं सबसे लास्ट यूजेस, फॉर ब्यूटी पर्पस. ब्यूटी पर्पस के लिए इसको यूज किया जाता है. स्टाइल एंड ब्यूटी इन्फ्लुएंसर शेरोन्स क्लियर यूजेस हाइड्रोजन परोक्साइड रेगुलरली टू क्लीन हर मेकअप ब्रशेस, ठीक है. साथ ही साथ अगर ब्यूटी पर्पस में अगर हम बात करें तो ये जो है डेब्रिस को रिमूव करने के लिए काम आता है, डेड स्किन सेल को हटाने के लिए काम आता है, बाय लाइटिंग द पिगमेंट सेल. तो ये सब जो है आपका ब्यूटी पर्पस में हम लोग हाइड्रोजन परोक्साइड को यूज करते हैं. तो यूजेस ऑफ हाइड्रोजन परोक्साइड क्लियर हो गया होगा. अब हम बात करते हैं इसका स्टोरेज. पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए यूजेस ऑफ हाइड्रोजन परोक्साइड का, उसके बाद फिर हम बात करेंगे स्टोरेज का. ले लिए, 1, 2, 3. चलिए अब हम बात करते हैं स्टोरेज का. द फॉलोइंग प्रिक्वेशंस मस्ट बी टेकन वाइल स्टोरिंग H2O2. जब हम H2O2 को, दैट इज की हाइड्रोजन परोक्साइड को स्टोर कर रहे हैं तो हमको कुछ प्रिक्वेशंस पे ध्यान देना होगा. सबसे फर्स्ट, इट मस्ट बी केप्ट इन वैक्स्ड लाइन कलर्ड बॉटल्स. जो हमारे पास बॉटल्स होगा जिसमें कि हम H2O2 को रखेंगे वो वैक्स्ड लाइन कलर्ड बॉटल्स होगा, नॉर्मल बॉटल्स नहीं होगा. अगर नॉर्मल बॉटल्स रहेगा तो वो सनलाइट से क्या करेगा, रिएक्ट कर जाएगा और H2O2 जो है डिकम्पोज हो जाएगा. बिकॉज द रफ ग्लास सरफेस कॉज इट्स डिकम्पोजिशन. जो नॉर्मल रफ ग्लास सरफेस होगा वो सनलाइट के साथ रिएक्शंस करेगा और क्या होगा, H2O2 का डिकम्पोजिशन होगा. तो हमको हमेशा ध्यान रखना है कि इसको स्टोर करने के लिए वैक्स्ड लाइन कलर बॉटल लेना होगा. नेक्स्ट पॉइंट है, अ स्मॉल अमाउंट ऑफ फॉस्फोरिक एसिड, ग्लिसरॉल और एसिटानाइलाइड इज जनरली एडेड विच रिटार्ड द डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2. These are also negative catalysis.
तो देखिए क्या कह रहा है कि आपको स्मॉल अमाउंट ऑफ या तो फॉस्फोरिक एसिड, या तो ग्लिसरॉल, या तो फिर एसिटानाइलाइड को क्या करना है, ऐड करना है। किसके लिए? कि H2O2 का डिकम्पोजिशन नहीं हो। दिस आर ऑल्सो नेगेटिव कैटलिस्ट, और ये सब जो है आपका क्या है, नेगेटिव कैटलिस्ट है। अब हम सबसे लास्ट पॉइंट बात करते हैं इसका डेंजरस इफेक्ट, दैट इज की हेजार्ड। हाइड्रोजन परोक्साइड कैन कॉज इरिटेशन टू द आइस, हमारे आइज में इरिटेशन कर सकता है, नोज में कर सकता है, स्किन में कर सकता है, एंड थ्रोट गले में कर सकता है। वर्कर्स में हार्म फॉर एक्सपोजर टू हाइड्रोजन परोक्साइड, द लेवल ऑफ एक्सपोजर डिपेंड अपॉन डोज, ड्यूरेशन एंड वर्क बींग डन। ठीक है, तो ये हुआ इसका हेजार्ड, दैट इज किसका डेंजरस इफेक्ट। तो हम लोग इस क्लास में क्या क्या देख लिए, सबसे फर्स्ट बात की यूजेस के ऊपर, ठीक है, यूजेस के बाद फिर हम लोग देखे इसका स्टोरेज, एंड देन देखे इसका हेजार्ड, दैट इज इसका डेंजरस इफेक्ट। तो उम्मीद करते हैं सारा बात समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अगले क्लास में नए केमिकल्स के साथ, नए केमिकल्स के यूजेस के साथ। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट। आप फटाक से इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, दोनों पेज का ले लीजिए, अगर नहीं लिए होंगे तो सबसे फर्स्ट पेज का ले लीजिए 1, 2, 3, और इसका ले लीजिए 1, 2, 3। चलिए ले लिए, चलिए बात करते हैं अब अगले क्लास में।